हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट। इसमें हम तीन स्टेप को फॉलो करते हैं, पहला क्लिंकर, दूसरा बर्निंग, तीसरा ग्राइंडिंग। पहला स्टेप क्लिंकर, इसमें हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फाइन पाउडर में। और इसमें रॉ मटेरियल को फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए दो प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, पहला है ड्राई प्रोसेस, दूसरा है वेट प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस जब इस्तेमाल करते हैं जब रॉ मटेरियल हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है, और इसे एब्सेंस ऑफ वाटर में फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। वेट प्रोसेस का इस्तेमाल जब करते हैं जब रॉ मटेरियल सॉफ्ट होता है, और इसमें रॉ मटेरियल को फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए प्रेजेंस ऑफ वाटर का यूज करते हैं। इसके बाद आता है बर्निंग। बर्निंग में रोटेटरी किल में हम स्लरी को फीड करते हैं और इसे 1500 से 1650 डिग्री तक टेम्परेचर अरेंज करते हैं, और जब स्लरी में मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और ये छोटे छोटे लम्स में कन्वर्ट हो जाता है, तब हम इसे कूल करते हैं इंक्लाइन ट्यूब में। इसके बाद हमारा फाइनल प्रोसेस होता है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर इज डन इन लार्ज ट्यूब। जब प्रॉपरली ग्राइंडिंग हो जाता है जब इसमें हम चिप्सम 1 से 4% मिलाते हैं सीमेंट के सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए, और वहाँ से ये फाइन ग्राउंड सीमेंट स्टोर कर दिया जाता है स्टोरेज टैंक में, वहाँ से ये पैकिंग के लिए जाता है।